बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अपने खुद मैंने घर में जो कपड़े स्टिच किए हैं उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि घर में मैंने आज मैं अपनी बेटी का छोटा सा छोटी बेटी है मेरी तकरीबन 1.5 साल की, उसके मैंने कपड़े स्टिच किए हैं। ये मैंने पट्टी लगा के उसके साथ साइडों पर लाइस लगा दी है और दरमियान में बटन लगा दी है। जस्ट ये फ्रॉक स्टिच किया हुआ है और लैस जो मैंने इसके घेरे पे भी और बाजुओं पे भी लगाई हुई है। चिनवट वाले बाजू बना दिए थे इसके साथ ताकि थोड़ा सा खूबसूरती और बढ़ जाए। और ये बेल्ट मैंने लगा दी थी क्योंकि बच्चों को बेल्ट वाली ज़्यादा प्यारी लगती है फ्रॉक स्टिच की हुई। तो ये घेरे में मुझे बहुत प्यारी बाजार मार्केट में मुझे अच्छी कम प्राइस में सस्ती सी मिल गई थी लैस, तो वो बहुत जब लगाई तो बहुत प्यारी लगी ये लैस और इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉक की ज़्यादा प्यारी लगी। और इसी के साथ मैंने रेड कलर का इसका ट्राउज़र बनाया, सिंपल से स्टिच किया इसको ट्राउज़र को, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं थी मैंने क्योंकि फ्रॉक में इतनी ज़्यादा स्टिच मैंने सिलाई कर दी थी। ये लॉन का फ्रॉक है ब्लैक कलर का, इसको मैंने एयर लाइन टैब कटिंग किया था और इसको स्टिच किया है लैंड टैब और उसके स्लीव ड्रेस तैयार किया ये वाला। और इसमें मैंने अपने घर में पड़ी थी मेरे पास जो लैस है वो उसको साथ मैच की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैच होगी और मैंने इसको लगा लिया। इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी, थोड़ी सी फ्रंट पे लगा दी और ये बटन भी मेरे पास पड़ा था मैंने वो इसको लगा के इसको ना कम खूबसूरत में ज़्यादा और लिया। इसको मैंने इस कपड़े की मैंने मगजी बना के वो साइडों पर पाइपिंग कर दी है और इसके साथ पीछे बटन टेक बनाया हुआ है, सिंपल सा बटन टेक बनाया हुआ एक ही बटन ताकि एक ही बटन लगे ज़्यादा बच्चे को ना खुला ना हो बस। फिर मैंने इस पर घेरे पे लैस लगा दी थी ताकि वो और ज़्यादा इसकी लुक ज़्यादा प्यारी लगे। और इसको लैस को मैंने चारों तरफ लगा दी, यानी कि पीछे भी और बैक पे भी और फ्रंट पे भी लगाई है। और ये मैंने इसको सी लॉन्ग निकर्स टाइप सी बनाई है, यानी कि फुल निकर नहीं है, यानी कि शॉर्ट जिसको कैप्री कहते हैं कैप्री ट्राउज़र बनाया हुआ इसका। और मैंने ये इसको कट लगा के इसको ट्राउज़र तैयार किया है और उसको चारों तरफ इसकी लैस लगा ली, कट के चारों तरफ लैस लगा दी है और उसमें और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बटन भी गर्मी से भी घर से ही निकल आया, बटन मैच हो गया और मैंने इसको इसी तरह इसको लगा लिया। और इसको भी हम मैंने ट्राउज़र को लास्कर वगैरह लगा के इसको स्टिच किया है ताकि बाद में आसानी रहे बच्चे को लास्कर वगैरह में डालने की जरूरत ना पड़े। और ये मैंने येलो कलर का फ्रॉक स्टिच किया है, ये बहुत ही प्यारा स्टिच किया, मुझे बहुत सबसे कलर ज़्यादा प्यारा लगा येलो में। और मैंने इसको घोटी भी, ये भी घोटी मैंने तकरीबन घर में ही पड़ी हुई थी जो मैंने इसको साथ मैच कर ली और शीशे वगैरह बाजार से ले आई थी और इसकी और ज़्यादा लुक प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत इसकी लोकेशन अच्छी लगी। और इसके बाजू को भी मैंने घोटी लैस लगा ली है दोनों तरफ से। और इसके जो चिकन कढ़ाई के जो साइडों से उतरा शर्ट के दो मैंने इसके बाजू पे भी लगा दी। और इसके मैंने छोड़ हल्की हल्की सी फ्रिलक नीचे इसके घेरे पे लगा दी थी दामन पे और साथ एक पट्टी सी मैंने गोटा पट्टी की लगा दी। और बैक साइड में भी बटन टेक लगाया जो आम जैसे हम अपने बच्चों के बटन टेक बनाते हैं वैसे इसके बटन टेक बनाया हुआ है। और चुनट वाली फ्रॉक सिलाई की हुई है, नीचे फ्रिल लगा ली है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत चिकन वाली फ्रॉक तैयार हुई, बहुत प्यारा इस कलर लगा है मुझे। इस सब कलर्स में जो मुझे ज़्यादा डिसेंट कलर लगा है लाइट येलो कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैंने इसी तरह के मैंने और एक और ड्रेस में वो आप लोगों को दिखाती हूँ, वो मैंने स्टिच किया ये वाला, ये मैंने त्रीजों वाला कहते हैं ना कुर्ता सिलाई किया है, मैंने अपनी बेटी के लिए त्रीजों वाला कुर्ता सिलाई किया, बहुत प्यारा लग रहा था, ये बहुत डिसेंट लग रहा था। तो इसको मैंने बटन टेक ही बना दिया, इसको पट्टी सी बनाई और दो मैंने बटन लगा दिए और बहुत प्यारे लग रहे हैं कलर ये भी बहुत प्यारा है। ये मैं इसके साथ ये प्लेन इसके साथ ट्राउज़र जो मैंने स्टिच किया इसके साथ ये डिसेंट है ना, उसके ऊपर मैंने कोई लैस लगाई ना कुछ लगाया, सिर्फ जस्ट इसको स्टिच किया सिर्फ। और ये लोन का पीस था, ये मेरे किसी ये दुपट्टा था कोई लोन का, मैंने उसकी ये फ्रॉक बना के दी अपनी बेटी को, बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा था तो मैंने कहा चले इसकी एक अम्ब्रेला फ्रॉक बन जाए बगैर स्लीव के। ये मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक स्टिच किया और इसके दोनों तरफ से मैंने इस कपड़े की वो पाइपिंग बना दिया और उसको फोल्ड कर दिया पेंट बाजू को। और ये बेल्ट इसकी भी पीछे बैक साइड पर बेल्ट लगा दी है
और ये बटर टेक जैसे दूसरों पे बटर टेक लगा, इसको लूप लगा के मैंने लूप्स लगा के बटन टेक बनाया पीछे इसका, बहुत प्यारा फ्रॉक मिल रहा है वाला। और ये भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कलर है, ये मुझे ये भी कलर बहुत नाइस लगता है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच किया है, इसको मैंने थ्री फ्रिल के साथ स्टिच किया है, इसको थ्री फ्रिल लगाई है इसको, और ये फ्रिल वाला फ्रॉक सिलाई की है, बहुत प्यारा लग रहा है ये फ्रॉक। एक वन टू और थ्री फ्रिल लगा के मैंने इसको स्टिच किया है। इसी तरह आप अपनी बेटी को भी अपने बच्चों की डिज़ाइन बनाएं और फ्रिल लगाएं और खूबसूरत से फ्रॉक स्टिच करें घर में ही। डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखाई है, आपको उम्मीद है कि आपको ये मैंने सब ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। ये मैंने खुद से डिज़ाइन की है, घर से ही स्टिच किया, और ये मुझे फ्लावर घर में मिल गया तो वो भी मैंने खुद ही लगाया इसको, और ये मैंने सिंपल से बाजू। अच्छा, अब मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।